Vibration with Somo. और आप सबको गुजरी हुई ईद मुबारक। और मैं आपको इसलिए ईद पे नहीं मिला क्योंकि मैं गया हुआ था अपनों के घर ईदी जमा करने के लिए, इसलिए। और अभी हम छत पे आए हुए हैं, चूल्हे लेके आज फिर चूल्हे खोलेंगे। और अभी आप मुझे देख कर बताएं चूल्हे थोड़े से बड़े हुए हैं कि नहीं सारे के सारे। तो गाइस अभी जब हम गए हुए थे, हम लोग ये चूजे अपने पड़ोसियों के घर छोड़ के गए थे। और इनमें से जो एक चूजा है ना, ब्लैक वाला ना, इसकी गर्दन में कुछ है, ये बीमार हुआ। हम लोगों ने कल रात को इसको दवाइयाँ भी दी थी, बेलाडोल, डिस्प्रिन वगैरह वगैरह, इस तरह की हमने इनको दवाइयाँ दी थी, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अगर आप लोगों को इसका कोई इलाज पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में काइंडली बता दें। तभी हम इनको खोलते हैं ताकि खुश हो। पौधे छोटे भी सूख गए हैं सारे, और अभी हम इनके लिए पानी डाल दें ताकि खुश हो जाए। इसके लिए पानी डालते हैं। सो गाइस हमारे पौधे दो तीन दिन से बहुत खुश हुए हैं, इसलिए हम इनको अभी पानी डालेंगे ताकि ये उतार हो जाए। अबे ये तो पहले का चढ़ा है इसके ऊपर। तो गाइस अभी मैं दोनों गमलों को पानी दे चुका हूँ। ये वाला एक तो फिर से ऊपर चढ़ के, मुझे लगता है इसको ये अंगूर का पौधा पसंद है। नीचे है गाइस। ये अभी आप इसके इसकी कंडीशन देख के बताएं इसको इसका क्या इलाज है, और पता नहीं क्यों इस तरफ की गर्दन ऊपर करता है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। गाइस अभी हम छोटे वाले को भी ऊपर गमले में डाल देते हैं। सो गाइस इन छोटे वाले को अलग करते हैं, और क्योंकि ये बड़े वाले इनको मार रहे हैं।
हम इन चूजों को खुराक भी देते थे, रोटी देते थे, और साथ इनको हम भीगी हुई रोटी देते थे और चावल देते थे, और इनका मिक्स दाना देते थे। हमारे खुराक में तो कोई मसला ही है, हमारे चूजे इस तरह बीमार हो गया। मेरी तो इतनी बहुत सारी जमा हुई है, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग कितनी इतनी जमा हुई है, और मेरी जो इतनी जमा हुई है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोगों ने अंडा रखा था, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो डब्बा। ये रहा वो डब्बा, हम लोगों ने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। पहले हम लोगों ने सबसे पहले रुई रखी थी, उसके बाद फिर हमने अंडा रखा, फिर उसके अंदर हमने रुई रखी थी, फिर हमने उसको रखा, फिर हम लोगों ने धूप में रखा उसको, लेकिन वो चूजा नहीं बना, इसलिए वो खराब हो गया था। फिर हमने तोड़ दिया वो अंडा। सो गाइस, हम चाहते हैं छत पे केज बनाना, और अब पता है हम छत्ते बनाए नीचे बने, हमारे पास बेसमेंट भी है। गाइस, जो हम केज बनाना चाहते हैं ना, वो हम यहाँ से लेके ना इधर तक बनाना चाहते हैं, हाँ, और इसकी इसमें चौड़ाई होगी ना, इधर से लेके यहाँ तक, और जो हम उसके ऊपर की जो छत बनाएंगे वो हम यहाँ तक बनाएंगे, ताकि इन दीवारों से नीचे हो। तो गाइस, मैं ज़्यादा ज़्यादा बड़ा केज इसलिए नहीं बनाना चाहता, जो बर्नाला है ना, जो बारिश होती है, जो बारिश का पानी इसके अंदर जाता है पाइपों में, और अगर मैंने इतना लंबा बना ले तो सारा का सारा पानी पूरी छत पे खड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे। ये हमारे रिजन से ज़्यादा बड़ा है। अगर आप कहते हैं तो हम छत पे नहीं बनाएंगे, हमारे नीचे बेसमेंट भी है, हम बेसमेंट नहीं बना सकते। आपको कहना चाहिए छत ठीक है या बेसमेंट? एक दिन मौसम अच्छा हुआ और हल्की फुल्की बारिश हुई थी, और आज ही मौसम अच्छा हो गया है, और अभी परिंदे बहुत मस्ती में उड़ रहे हैं, आवाज़ तेज चल रही है, बहुत खुशी खुशी उड़ रहे हैं सारे परिंदे। अभी हम जाते हैं, चीज़ों को बंद करते हैं और नीचे जाते हैं, इनको रोटी देते हैं। सो गाइस, पहले छोटे वाले को बंद करते हैं क्योंकि आसानी से बंद हो गए, बाद में बड़े वाले बनाए पहले। अभी हमने दोनों चीजें बंद कर ली हैं, आज इन लोगों ने इतना तंग नहीं किया जितना पहले तंग करते थे, और अभी हम इनको नीचे लेके जा रहे हैं और इनको दाना पानी डालेंगे, और ऊपर बड़ी तेज आनी चल रही है, इसलिए हम इनको नीचे लेके जा रहे हैं, वरना हम इनको ऊपर ही दाना डाल देते। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।